अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज है फ्राइडे का दिन, तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी 5 o'clock। मैं यहाँ पे सोच रही थी कि ये बच्चों को क्यों समर वेकेशंस मिलते हैं, इनको विंटर वेकेशंस मिलने चाहिए। बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मौसम है वो एडजस्ट होके चले जाते हैं, बट मुझे ठंड में इतनी तकलीफ़ होती है सुबह में ब्रेकफास्ट बनाना, इनका टिफ़िन रेडी करना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं ब्लैंकेट में ही पड़े रहूँ। अच्छा, तो बुरहानुद्दीन आज स्कूल नहीं जा रहा है और उसको माउथ में अल्सर्स हो गए हैं, तो मुझे बोल रहा था कि उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, डॉक्टर के पास लेके चलो। तो इंसिया चली गई है या मैं बुरहानुद्दीन को ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। अच्छा, तो आज मैं सुबह में 5 o'clock उठ गई थी, मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि सिर्फ इंसिया स्कूल जा रही थी और टिफ़िन में भी वो बोली थी कि वो लेमन राइस लेके जाएगी। तो मैं रमज़ान के बाद कुरान जर्नलिंग स्टार्ट करी थी, बट मैंने बहुत कम दिन किया वो क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था समर वेकेशन से बच्चों के, तो मैं आज वापस से स्टार्ट करी जर्नलिंग। तो मैं कुरान को ऐसे ही रैंडमली ओपन कर लेती हूँ और जो भी आयत आती है सामने तो मैं पहले तो वो आयत लिखती हूँ, फिर उसकी मीनिंग लिखती हूँ, उसके बाद मैं लिखती हूँ कि वो मुझे क्या समझाना चाह रहा है या मेरे लाइफ में प्रैक्टिकली वो उसका क्या मतलब है वो आयत का। हमारे सभी नबियों की लाइफ्स इतनी बड़ी थी लेकिन कुरान में तो सिर्फ 15-20 मिनट्स के उनके स्टोरीज़ और किस्से लिखे हैं, तो मुझे लगता है कुरान में जो एक भी वर्ड है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको उसके ऊपर बहुत गौर से सोचना पड़ता है कि अल्लाह हमको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि आज जर्नलिंग में मैंने क्या लिखा और मैंने क्या सीखा। तो मैंने जो ओपन किया था वो सूरह यूसुफ था, वहाँ पर जो आयत थी वो अपने अब्बा से कह रहे थे कि उन्होंने वो सपना देखा, तो उस बारे में वो लिखा था वहाँ पर। तो मैंने वो पूरी आयत लिख ली और उसके नीचे जो कुरान में उसका मीनिंग है वो भी इंग्लिश में लिख लिया मैंने। तो फिर मेरी नज़र एक वर्ड पर पड़ी और मैं इतना सोचने लगी उसके बारे में कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से कह रहे हैं कि मैंने वो ख्वाब देखा, तो वो कैसे कह रहे हैं या अब्बती। तो मैंने वो देखा कि या अब्बती का मतलब है ए मेरे अब्बा, तो कितने प्यार से अपने अब्बा से बात कर रहे हैं। तो ये वर्ड हमको बता रहा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा को कितने प्यार से बुलाते थे, वरना वो बोल सकते थे कि ए अब्बा मैंने ये ख्वाब देखा, या सिर्फ आके बोल सकते थे कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो ये प्यार से बुलाना उन्होंने अपने माँ बाप से ही सीखा होगा क्योंकि बच्चे तो वही सीखते हैं जो माँ बाप बोलते हैं करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बहुत प्यार से बुलाते थे, बहुत मोहब्बत से उनसे बात करते थे, प्यार वाले वर्ड्स यूज़ करते थे। तो कुरान हमें ये बता रहा है, ये वर्ड को हाईलाइट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमको समझाना चाहते हैं कि जब भी फैमिली में बात होगी प्यार से ही होगी, ऐसे ही वर्ड्स हमको यूज़ करना चाहिए जिसमें मोहब्बत का इजहार हो। लेकिन हम तो इंडियन मदर्स हैं, हम सोचते हैं कि काम कर रहे हैं वही प्यार की लैंग्वेज है, हम इनके लिए इतना पकाते हैं, इनके लिए इतना करते हैं, तो फिर बोलने की क्या ज़रूरत है। हम खाना बनाना, खिदमत करना, ये भी प्यार की निशानी है, लेकिन वर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए। अक्सर ये होता है कि मैं तो बच्चों को इतना चिल्लाती हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ किचन में काम करके। थोड़े दिन पहले भी मैंने उनके लिए कुछ बनाया और बच्चों ने बोला कि नहीं अभी हमको भूख नहीं है, तो मैं उनको इतना चिल्लाने लगी कि मैं दिन भर किचन में खड़ के तुम लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ और तुम्हारा ये नाटक रहता है, तुमको खाना ही नहीं रहता है ये वो। तो सोचिए बच्चों के खलक में से वो खाना कैसे उतरेगा, और खाना खाना तो दूर की बात, बच्चों की उस वक्त फीलिंग थोड़ी ये होगी कि मम्मा मेरे से प्यार करते हैं इसीलिए खाना बना रहे हैं। तो इधर अल्लाह हमें फैमिली बॉन्डिंग के बारे में समझा रहे हैं। ये तो है बाप बेटी की बात याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बीच में, लेकिन अल्लाह हमको ये बताना चाह रहे हैं कि फैमिली में हम जब भी जिसी से भी बात करें, वो हस्बैंड है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उनको हम बहुत प्यार से, प्यार भरे अल्फाज से बात करना चाहिए हमको हमेशा। और दूसरी चीज़ जिससे हम मोहब्बत ज़ाहिर कर सकते हैं वो है गिफ्ट लेना देना, या फिर बच्चे को छोटी सी अच्छे से काम कर दे तो उनके पीठ पे थपकी देना या फिर फोरहेड पे किस कर लेना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसमें बच्चों को लगेगा कि हाँ हमको प्यार करते हैं मम्मा पापा। तो ये सारी चीज़ों के बाद एक ख़ास चीज़ है
जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी किया कि वो अपने फ़ादर को जाके अपने ख्वाब के बारे में बोले, तो हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए। हम अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाना चाहिए कि हमारे हस्बैंड हो, माँ बाप हो, हमारे बच्चे हो, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी बातें हैं, वो आके हमको आराम से बता दें। उनको डर ना रहे कि हम लोग जज करेंगे या हम कुछ गलत सोचेंगे उनके बारे में। उनको इतना सुकून हमसे मिलना चाहिए कि ये शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो दिल से सुन सकेंगे, वो हमारे प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ सकेंगे। तो हम अभी हिसाब किताब लगाएंगे कि हम कौन से ऐसे रिश्ते में पूरे शिद्दत से हम हमारा रोल प्ले कर रहे हैं कि हम उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात भी कर रहे हैं, उनको थपकी भी दे रहे हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे हैं। हमने उनको इतना भरोसा दिलाया है कि वो आके अपने फीलिंग्स, अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकें। जैसे बच्चे अपने स्कूल में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आके हमको शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हस्बैंड्स हमको आके हमको सब बता सक रहे हैं खुल के या नहीं। अगर ये नहीं है तो मतलब हमको इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम अक्सर दूसरों को बोलते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन हम हमारे अंदर झांक के कभी नहीं देखते कि हम कैसे हैं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली बात, हमको अपने आप को सुधारना है। अच्छा, तो कभी कभार ऐसे होता है कि हमने अपनी सारी चीज़ें एक रिश्ते में दे देते हैं, लेकिन सामने वाला बेचारा पत्थर का बना होता है, उसको ना कुछ समझना है ना कुछ एक्सेप्ट करना है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम अपने सब बेटों के साथ वही मामला रखा, लेकिन वो बच्चों ने, बाकी बेटों ने एक दीवार सी बना ली थी कि नहीं, वालिद तो सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को प्यार करते हैं। अच्छा, तो ये आयत का इंटरप्रिटेशन ये था मेरा। तो अगर आपका भी कुछ और इंटरप्रिटेशन है या आपने कुछ और सीखा है आयत से, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ताकि वो भी मैं अपने जर्नल में लिख लूँ। अच्छा, तो बुरहानुद्दीन मेरे बहुत पीछे पड़ गया था कि कुछ अच्छा सा बनाइए इंसिया के लिए। वो अकेली स्कूल गई है आज, तो जब वो घर पे आएगी उसको सरप्राइज़ मिलेगा। इंसिया ये चॉकलेट बॉम्ब्स मेरे को बहुत दिन से पूछ रही थी, मांग रही थी मेरे को, तो मैं और बुरहानुद्दीन डिसाइड किए कि हम उसके लिए यही बना लेंगे। ये बहुत ईजी रेसिपी है। जैसे हम केक बनाते हैं, केक का बैटर रेडी करते हैं, वैसे बैटर रेडी करके हम चाहिए तो मोल्ड्स में भी डाल सकते हैं, बट ये मेरे को बहुत ईजी लगता है, बहुत छोटे साइज़ के भी बनते हैं और अच्छे भी कुक होते हैं ये। इसको नीचे अगर थोड़ा बटर लगा दिए तो ये बहुत आसानी से फ्लिप हो जाते हैं, बट मुझे पता नहीं, वो केक में मैं ऑलरेडी बटर डाली थी, तो मुझे लगा कि बहुत ही बटरी फ्लेवर आएगा, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया उसको। तो इंसिया जब आई, वो बाहर से ही मेरे को पूछ रही थी कि कुछ केक बनाया क्या आपने, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो बुरहानुद्दीन बोल रहा है कि तेरे लिए नहीं बनाया हमने, मुझे याद आ रहा था तो इसीलिए बनाया। अच्छा, अगर आपको मेरी जर्नलिंग बुक देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, एक दिन मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर कि मैंने अभी तक क्या क्या लिखा है या फिर मैं कैसे करती हूँ जर्नलिंग। वरना यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस है और प्रोफेशनल्स है जो करते हैं, कोई कोई तो एक दिन में पूरा सूरा कर लेते हैं जर्नलिंग, बट मेरे से इतना नहीं होता है, तो मैं बस एक ही आयत या छोटा सा एक लाइन के बारे में लिख लेती हूँ। कुरान तो माशाल्लाह से हम सभी पढ़ लेते हैं, बट अभी टाइम आ गया है कि हम इसको डीपली समझें और समझाएं। अच्छा, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।